कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान हलके का दौरा किया। जेपी दलाल ने कई शादी समारोह में शिरकत की और लोगों की समस्याएं सुनी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की बिल वापसी की घोषणा के बाद किसान नेताओं को उन पर विचार करना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसी समस्याएं आती हैं, उनका समाधान भी होता है, लेकिन अगर किसान नेताओं को राजनीति करनी है तो सीधी सीधी करें, किसान नेताओं के नाम पर या किसानों के नाम पर ना करें। देखिए, जितना बड़ा दिल करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से हाथ जोड़ के प्रार्थना की है कि मैं कानून वापस लेता हूं और आप अपने घरों में जाओ, अब जो किसान नेता हैं उनको भी विचार करना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसा है कि समस्याएं आती रहती हैं, उनका समाधान भी होता रहता है। और आगे भी MSP के बारे में भी कमेटी बनाने की उन्होंने कही है, और समस्याएं होंगी वो भी दूर करेंगे। सिर्फ आंदोलन करने के लिए आंदोलन करना अच्छी बात नहीं है, राजनीति करनी है तो सीधी सीधी करें, किसान का नाम ना लें। और किसानों के लिए जितना हमारी सरकार ने किया है, चाहे वो नहरी पानी देना हो, माइक्रो इरीगेशन करना हो, बिजली की चीजें, बिजली की सुविधा देना हो, भाव देना हो, भावांतर भरपाई देना हो, फसलें खरीदना हो, कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के लिए अच्छे से अच्छे काम हो। और मेरी यही प्रार्थना है सबसे हाथ जोड़ करके, जो आंदोलनकारी लोग हैं, कि वो प्रधानमंत्री पर भरोसा रखें और किसानों को जो उनके साथ है, अगर सारे फसल जितनी होती है सारी सरकार खरीदे तो सारा बजट खत्म हो जाएगा, ना सेना की तनख्वाह दे पाएंगे, ना पुलिस का, ना हाईवे, ना सड़क, ना रेल, ना हवाई जहाज, सब चीजें बंद हो जाएंगे और उस अनाज को फिर वो वापिस पब्लिक में बेचना पड़ेगा। ये व्यवहारिक नहीं है। दूसरी चीज ये कुछ लोग कहते हैं कि जी प्राइवेट आदमी खरीद ले। अब प्राइवेट हम कानून पास कर देंगे, MSP पे गेहूं या धान या चला इस रेट पे खरीदना है, मान लो वो प्राइवेट खरीदे नहीं तो फिर उसको कोई खरीदार नहीं मिलेगा, किसान तो मारा जाएगा, किसी रेट का भी खरीदार नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे नीचे खरीदे तो उसकी सजा हो जाएगी। तो मांग करें तो व्यवहारिक करें, जो प्रैक्टिकल हो, जिस किसानों का हित हो। सिर्फ राजनीति करने के लिए इस तरह की मांग करना उचित नहीं।